और वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। रोहिंग्या के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह ने ओवैसी से क्या कहा और आज देश में कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व की धूम है। आप देखिए न्यूज टॉप 9 राष्ट्र। पीएम मोदी आज एससीओ की वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में 6 देशों के प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान बैठक में शामिल नहीं होंगे। भारत पहली बार एससीओ की मेजबानी कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को और अभेद बनाने की तैयारी हो रही है। पीएम मोदी के घर और काफिले की सुरक्षा में एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती होगी। पीएम की सुरक्षा दस्ते में ड्रोन को मार गिराने वाले सिस्टम को शामिल किया जाएगा। MiG-29 ट्रेनर फाइटर जेट के अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 26 नवंबर से लापता पायलट का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। ये ट्रेनर विमान गोवा से रवाना हुआ था। नौसेना के जहाजों और विमानों की व्यापक तैनाती जारी है। पायलट की तलाशी में नौसेना फास्ट इंटरसेप्ट क्राफ्ट को तैनात किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने हैदराबाद नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान रोहिंग्या को लेकर ओवैसी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि मैं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करता हूं, तो विपक्ष हाय तौबा मचाने लगता है। आप एक बार लिख कर दें तो मैं कार्रवाई करूंगा। हैदराबाद निकाय चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी, AIMIM और TRS की सभी पार्टियां हैदराबाद नगर निगम पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने रोड शो करके बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगा। हैदराबाद निकाय चुनाव की 150 सीटों के लिए कल वोटिंग होगी और प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी। मतगणना 4 दिसंबर को होगी। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव को 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर शिवसेना के साथ अपनी दूसरी सियासी पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। उर्मिला शिवसेना पार्टी में शामिल होंगी। शिवसेना उर्मिला को विधान परिषद भेजने की तैयारी में है। 2019 में उर्मिला कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण दोपहर 1:04 से शुरू होकर शाम 5:22 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। आज कार्तिक पूर्णिमा की वजह से यह चंद्र ग्रहण बेहद खास है। उपछाया चंद्र ग्रहण होने की वजह से इस बार सूतक नहीं लगेगा। आज कार्तिक पूर्णिमा है। हिंदू धर्म में इस दिन का खास महत्व है। पुराणों में आज का दिन आध्यात्मिक और धार्मिक ऊर्जा के संचय के लिए माना जाता है। सिख धर्म के अनुयायी कार्तिक पूर्णिमा पर गुरु पर्व मना रहे हैं। आज ही प्रकाश पर्व भी मनाया जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।